भाई अगर हमसे खफा हो जाए तो सारा जहान खाना खाता फिरता है, मगर उस भाई का लुढ़का अलग से नीचे तो उतर हम कहीं कोला है ना गले में पानी। कभी इस कैफियत को अगर आपने महसूस किया हो, दुख और कर्म की हालत हो, लोग कहते हैं कि कुछ तो पानी नहीं पिया जाता, वो पानी क्यों नहीं पिया जाता कि एक गम का एक कैफियत है, गम का एक यूं समझिए गोला है और एक रुकावट है जो इंसान के गले में आगे अटक जाती है, फिर ना खाया जाता है ना पिया जाता है, ना कुछ अच्छा लगता है, ना मन की दुनिया आबाद है। एक शख्स खफा हो जाए तो हमारे लिए सारा जहान बदल जाता है। मेरे और आपके आका ने जिन चीजों का सामना किया, 40 साल तक वो लोग जो आका की सदाकत का दम भरते थे, हुजूर की अमानत के कायल थे, और मुहावरतन नहीं हकीकतन आका ने सलाम के आस्ताने पर और आपकी चौखट पर बैठे रहते थे। मक्का के लोग 41वें साल जब मेरे और आपके करीम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तो वो लोग जो सदाकत का अमानत का दयानत का दम भरते थे वो जान के दुश्मन हो गए। पूरी सोसाइटी और पूरा मुआशरा एक तरफ था और सरकारे दो आलम अलैहि सलाम और आपके मुखलिस साथी वो एक तरफ थे। न बाहर जा सकते हैं क्योंकि सोशल बाइकॉट है, वाशरती मुकादया है, लोगों को मिलते हैं तो लोग निकाले फेर लेते, पूरा मुआशरा एक तरफ है। और खुदा अपना मजनून अलग कहते हैं, शायर अलग कहते हैं, दीवाना अलग कहते हैं, आयतों को खड़ने वाला अलग कहते हैं कि ये रात को आयतें खड़ खड़ के लाते हैं, रात को खड़ते हैं खुदा अपना रसूल लाकर हमें सुना देते हैं। अल्लाह ने चैलेंज किया, फरमाया सूरत तो बड़े दूर की बात है, तो एक आयत ही लाके दिखा दो। और ये अल्लाह का चैलेंज आज भी मौजूद है, कयामत तक फरमाया तुम तनहा नहीं, अपने साथ अपने साथियों को मिला लो, अपने मोमिनीन को मिला लो। इस जैसी एक सूरत, सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, फरमाया वो सूरत जैसी सूरत ही ले आओ। अल्लाह फरमाता है वह इल्म का फालू, और अगर तुम ना कर सको वलन का फालू, नतीजा भी बताया फरमाया तुम हर केस नहीं कर सको। चैलेंज का नतीजा भी बताया आका ने, यह कुछ बातें सुन हत्ता के जब मक्का में लोगों का दबाव बढ़ा, आका ने सलाम ने सोचा कि मैं ताइफ में जाकर लोगों को दावत देता हूं, इनका दिल नरम हो जाएगा तो मैं फेरा दूं। कोई एक शख्स अगर एक दफा भी हमसे सीधे वो बात ना करे, हमारे अंदर अनाज का इतना बड़ा बोध है, माने या ना माने, मगर हमारे अंदर इल्ला माशाल्लाह, सबकी तबीयत एक जैसी नहीं होती, मिजाज को कुछ भी होती, बास पर तबीयत का असर होता है, बास पर खून का असर होता है, और बास पर खालिस अदन अपने अल्लाह का कर्म होता है। हमसे तो कोई एक शख्स अगर सीधे वो बात ना करे, ऐसे बे इतनाई बनते, हम दूसरी दफा उसका चेहरा और शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। मेरे और आपके करीम से बड़ा गैरतमंद कौन हो सकता है, आका से बड़ा अनफस कौन हो सकता है, मगर इतनी गैरत के बावजूद, इतने अनफस तबीयत के बावजूद, और आका इतने मुरब्बत वाले मिजाज रखने के बावजूद 200 मरतबा अबू जहल के दरवाजे पर चल के तशरीफ ले गए। 200 मरत वो बदबख्त का इनकार करता था, आकर फिर तशरीफ ले जाता, फिर जाते फिर जाते। किसी दानिशवर का बड़ा ही खूबसूरत कौल है, उसने कहा मैंने कई रिश्ते झुक कर बचाए हैं ये सोचकर कि हर कोई मेरे कद के बराबर तो नहीं ना हो सकता, झुकने में वकार है, आप एक बार झुक जाएंगे अगले को करीब लेंगे। बल्कि मरतबा बारिश हो रही है मक्का मुकरमा में और इतना एजाज की बारिशें होती हर साल, कभी कभी होती है, मगर बार सफा इतनी शदीद होती है कि
सैलाब का समा और माहौल बन गया। एक मरतबा हदीस पाक में आता है कि मक्का मुकरमा के अंदर बारिश हो रही और आका बरसती बारिश के अंदर, तूफानी बारिश के अंदर अबू जहल के दरवाजे पर तशरीफ ले दस्तक दी तो मुकामता का कबाता बाहर निकला और आका को दरवाजे पे खड़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का भतीजे, आप इतनी शिद्दत के मौसम में मेरे घर के दरवाजे पर खड़े क्या कर रहे हैं? मेरे और आपकी कई के जवाब सुने। आपने फरमाया मैं इस बरसती बारिश में और इस खूबसूरत और ठंडे माहौल में घर बैठा था, मैंने सोचा कि हो सकता है इस अच्छे बारिश के माहौल की वजह से आपका दिल नरम हो गया हो, तो मैंने सोचा आपको जाकर अपने माना की तौहीन की दावत करते जमीन नरम हो तो बीज लगाया जाए तो उग जाता है, मैंने सोचा आपका दिल नरम हो गया होगा, मैं जाकर आपको आपकी फलाह के लिए आपकी भलाई के लिए अपने मौला की तौहीन का जाम पिला नहीं। मक्का मुकरमा की तरफ से जब प्रेशर पड़ा तो हुजूर ताइफ तशरीफ ले ईमानदारी से बताए मेरे आका ने और आपके आका ने रब की तरफ से लगाई गई ड्यूटी का हक अदा किया है कि नहीं? ऐसी खूबसूरत कि खुद अल्लाह करीम भी अपनी रहमत के जरिए रश फरमा, यानी जिसे अल्लाह ही शाबाश दे दे और सिर्फ शाबाश नहीं अल्लाह ने बल्कि हौसला दिया और ढारस ऐसी थी लोग नहीं मानते थे तो आका का कल गया था क्योंकि मोम से भी ज्यादा नरम रेशम से भी ज्यादा नरम था उनका दिल आप परेशान होते तो अल्लाह ने फिर तसल्ली दी। अभी तो आप फिक्र ना किया करें अपने दिल को मकबूल ना करें, आपके इसी दिल को तसल्ली देने के लिए तो मैंने आप पर ये फसल का मामला फरमाया है कि आप रात को थोड़ी देर मुसल्ले में आए, आपके पैरों का वर्ण मुझसे देखा नहीं जाता, सारे जहान से कहूंगा और कयामत की सुबह तक कुरान में कहता रहूंगा कि तुम और सजदे करो और झुको मेरी बार बार इतना झुको कि तुम्हारी कमर को भी हो जाए फिर भी मेरा शुक्र अदा नहीं कर सकते, सारे जहान से हबीब के कहता रहूंगा, मगर आप क्या करें थोड़ी देर हबीब रात को मुसल्ले पर आए, ज्यादा देर बिस्तर पर गुजार आपके मुकद्दस मुतहर पैर मुतवर हो जाते और ये इतने खूबसूरत पांव है मेरे मुस्तफा करीम जोड़े शबे मिराज हदीस पाक के दिन में आ रही है, शबे मिराज जब आका अर्श से आगे तशरीफ लेकर जा रहे थे, जब आका ने अर्श पर कदम रखा, अर्श क्या है यू समझे कि मखलूक का बॉर्डर, उससे आगे नहीं जा सकते सिदरत नहीं जा सकते, मगर मखलूक वो है जो अर्श से पहले रुक जाए और मुस्तफा वो है जो अर्श पर अपने नलैन को रख कर अपने मौला की बात करे। आगे जाने लगे ना, आगे जाने लगे इस बात पे आता है क्या सूरत आपका का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं जब मैं आगे बढ़ने लगा तो अर्श ने पीछे से मेरा दामन थाम लिया, उसी मोहब्बत को आप महसूस करवा सकते हैं जब आका अर्श को छोड़कर जाने लगे, अर्श को छोड़कर जाने लगे गुरबत का एहसास था कि अर्श को आज अर्श बनाए सरकार के नालैन की बरकत से, अर्श ने ऐसे हुजूर का दामन गरम लंगर और खैरात देने के लिए और निगाह गरम दोबारा हासिल करने के लिए और सरकार की तवज्जोहात अपनी जाने मकबूल करवाने के लिए सरकार फरमाते मेरा दामन अर्श ने थामा। एक सवाल मेरा आपसे जैसे है अगर आप जवाब दे सके तो, और सवाल भी आसान सा है, ये दामन थाम कर खैरात का सवाल सही करता है या फकीर करता है? दामन थाम कर आज
نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن تھام کر اور سرکار سے نگاہ کرم کا سوال کر کے اس بات کا مخلوق کو اعلان نہیں کیا کہ یہ وہ کریم ہے. مخلوق تو مخلوق رہ گئی نا, عمر تو عمر رہ گئی, لوگ تو لوگ رہ گئے, انسان تو انسان رہ گیا. فرمایا میں عرش الٰہی کی نگاہ کرم مصطفیٰ کا محتاج ہوں. سبحان اللہ. آقا طائف تشریف لے وہاں پر بھی لوگوں نے